कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। डायरेक्ट चल भाई लास्ट तो फर्स्ट फ्लोर से मैं छलांग लगाता हूँ तो जाहिर सी बात है उसमें आपका कुछ टूटेगा। अस्सलामु अलैकुम गाइस, दिस इज़ ज़ाफ़र खान और आज हम बात करेंगे स्क्वाट्स के बारे में। ये लोग स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, जिम में करते हैं या घर में करते हैं, तो वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिससे इंजरी का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप स्क्वाट्स को सीख सकें और फिर उसके बाद उसे परफॉर्म करें। कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। डायरेक्ट अगर आप आपको दो फिट से भी छलांग लगानी नहीं आती और आप डायरेक्ट चल भाई आज तो फर्स्ट फ्लोर से मैं छलांग लगाता हूँ तो जाहिर सी बात है उसमें आपका कुछ टूटेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखा जाता है। तो आज मैं आपको चंद एक्सरसाइजेस बता दूँ, बहुत ईजीएस्ट एक्सरसाइजेज हैं मेरी नज़र में, तो जिससे आपके स्क्वाट्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो स्टार्ट कर, लोग जो मिस्टेक्स करते हैं स्क्वाट्स कर, जो उनके नीज होते हैं वो सिमेट्री से आगे चले आते हैं, यानी जब स्क्वाट्स कर रहे होते हैं इस तरीके से कुछ उनके घुटने हो जाते हैं, मतलब अपने उनके जो पंजे होते हैं उससे आगे चले आते हैं। और कुछ लोगों की जो है अगर उनकी लेग्स सही सिमेट्री के अंदर होती है तो उनकी जो कमर है वो इस तरीके से बेंड हो जाती है। तो ये सब चीज़ें सही करने के लिए ये सब एक्सरसाइज हैं, बहुत ही ईजीएस्ट एक्सरसाइज हैं। तो एक्सरसाइज नंबर वन ये कि आपने वॉल स्ट्रेच करना है, कमर बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ स्ट्रेट करके रखनी है और हाथ ऐसे रखने हैं। अब ये एक्सरसाइज जो है आपने एटलीस्ट कम से कम कोशिश करें 30 सेकंड तो करें इसको, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होती रहेगी और फिर ये एक मिनट तक पहुँच जाना चाहिए। ये जितनी भी एक्सरसाइज है एक मिनट तक के लिए करनी है रोज़ाना की बेसिस पर। एक्सरसाइज नंबर टू ये है कि आपने बिल्कुल ऐसे आ जाना है, बिल्कुल जो स्क्वाट्स की सिमेट्री होती है अपनी लेग्स जो है इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो पंजे हैं आपके ये घुटनों के बराबर होने चाहिए। उसको नापने का तरीका बिल्कुल ये है कि आप अपना हाथ यूँ इस तरह सीधा रखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा हो, ठीक है। और आपने अपने हिप्स लगाने, ये 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए और ये जो कमर है ना, ये जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है ये आपने दीवार से लगा के रखना है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो लोअर बैक है आपका, इसको आपने दीवार से दूर रखना है। यानी ये देखें आप, मेरे यहाँ पे गैप है तो इस तरीके से आपने इसमें गैप रखना है। और इस एक्सरसाइज को भी आपने कम से कम एक मिनट तक तो परफॉर्म करना है। एक मिनट तक नहीं हो रहा तो शुरू में 30 सेकंड तक करें, फिर उसके बाद 45 सेकंड, फिर उसके बाद 1 मिनट तक। तो थर्ड एक्सरसाइज ये, आपने बिल्कुल स्क्वाट की पोजीशन में आ जाना है और सिर्फ अपने हिप्स जो है वो वॉल से टच करना है और जो बिल्कुल प्रॉपर स्क्वाट्स की पोजीशन होती है, यहाँ हाथ रखने हैं यहाँ हाथ रखने हैं आपकी मर्जी है, तो बिल्कुल जो स्क्वाट्स की जो प्रॉपर पोजीशन होती है सिर्फ आपने अपने हिप्स को टच करना है वॉल से और बाकी इस तरीके से बैठ जाना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी आपके लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते रहेंगे तो ये आपके लिए आसान होती रहेगी। और हर चीज़ को मैं यही कहूँगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप सीखें, ये जो आपकी बॉडी है आप इसको किसी के हाथ में खिलौना नहीं बनाएं। एक अच्छा ट्रेनर जो होगा वो आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके सिखाएगा, कभी भी वो आपको वो चीज़ डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करवाएगा जो आपसे नहीं होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।